दोस्तों हमारे देश में विटामिन बी12 की कमी की समस्या एक आम समस्या बनती जा रही है। देखा जाए तो आबादी का 47% हिस्सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं विटामिन बी12 की कमी से पीड़ित है। दोस्तों विटामिन बी12 एक खास विटामिन होता है हमारे शरीर के लिए, जिसकी कमी अगर हमारे शरीर में होती तो कई सारी बीमारियों को होने की संभावनाएं बढ़ जाती। हाय दोस्तों, मैं विजय, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल गेट वेट टू हेल्थ एंड वेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी12 के बारे में। विटामिन बी12 का हमारे शरीर में काम क्या होता है, अगर इसकी कमी आपके शरीर में होती तो इसके क्या क्या लक्षण आपको देख सकते हैं, और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, और इसकी कमी होने से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों विटामिन बी12 का जो मेन काम होता है, हमारे जो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और हमारे जो DNAs होते हैं उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं को मजबूत बनाने का काम करती हैं। दोस्तों वैसे तो इसके जो लक्षण है काफी लेट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ पे कई सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं विटामिन बी12 की कमी होने के कारण। दोस्तों यहाँ पे आपको थकान जैसी फीलिंग होती है, आप थके थके से लगते हैं, आपको भूख कम लगती है, आपका शरीर पीला जैसा होने लगता है, आपके हाथ पैर सुन्न जैसे हो जाते हैं, खासकर मुंह और जीभ में छाले जैसी फीलिंग आपको हो जाती है, आपकी आंखें कमजोर जैसी होने लगती हैं। तो ये खास कुछ तरह के सिम्टम्स हैं जो आपके विटामिन बी12 की कमी में आपको देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं विटामिन बी12 की कमी कैसे होती है। दोस्तों विटामिन बी12 की कमी का जो मेन कारण होता है आपका आहार होता है। अगर दोस्तों आपके आहार में संतुलित और पोषक तत्व वाला आहार नहीं लेते हैं जिससे विटामिन बी12 है, तो आपको विटामिन बी12 की कमी आपके शरीर में हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ रेयर केसेस में, जैसे आपके अगर पाचन संबंधी विकार है तो वहां पे भी आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो सकती है, या फिर अगर आपने कोई बाईपास सर्जरी कराया है केसेस में भी आपको विटामिन बी12 की कमी हो सकती है, या फिर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो भी आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ऐसे केस में भी आपको विटामिन बी12 की कमी आपको हो सकती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं विटामिन बी12 की कमी से आपको कौन कौन सी बीमारी आपको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों विटामिन बी12 की कमी से जो खास समस्या देखने को मिली है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, यानी कि खून की कमी का होना, ये खासकर लोगों में देखने को मिलती है। विटामिन बी12 की कमी से आपको स्किन संबंधी रोग हो सकते हैं। विटामिन बी12 की कमी से कभी कभी आपको हड्डियों संबंधी समस्या भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कमर में दर्द या पेट में दर्द। इसकी कमी से आपको पेट संबंधित कई सारी बीमारियां आपको हो सकती है, जैसे क्रोन डिजीज। और इसके साथ ही दोस्तों गर्भवती महिलाओं में अगर विटामिन बी12 की कमी होती तो उनके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों गर्भवती महिलाओं को खासकर उनके डाइट में विटामिन बी12 सोर्स जरूर से लेने चाहिए। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं विटामिन बी12 की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वहां पे आपके सोर्सेस काफी लिमिटेड होते हैं। खासकर देखा जाए विटामिन बी12 की जो कमी होती है वो खासकर वेजिटेरियन लोगों में ही मिलते हैं, क्योंकि जिसके सोर्सेस से काफी कम सोर्सेस पाए जाते हैं। देखा जाए तो खासकर ये दूध और दूध से बनी वाली चीजों में ही आपको मिलता है, इसीलिए वेजिटेरियन लोगों में विटामिन बी12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी12 की कमी आप अल्टरनेटिव तरीके से पूरी कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड मिलते हैं जिसमें आपको विटामिन बी12 मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, टैबलेट आते हैं कैप्सूल के विटामिन बी12 के, जिससे आप लेकर आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में आपको काफी अच्छे सोर्सेज मिल जाते हैं विटामिन बी12 के, जिसमें खासकर देखा जाए तो अंडे हैं आपको, मांस मछली आपको मिल जाती हैं, बीफ वगैरह, तो इसमें काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन बी12 आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो विटामिन बी12 की कमी के लक्षण बताए, इस तरह की कमी के लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उसके कंफर्मेशन के लिए आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जहां से आप बी12 का स्तर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके विटामिन बी12 की कमी आ रही है तो आप विटामिन बी12 और फूड लेना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके शरीर में विटामिन बी12 की समस्या दूर हो सके। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ भी क्वेरी कमेंट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।